हाय दोस्तों, ये सीडी डिलक्स गाड़ी है, ऑल मॉडल वाला। इसमें क्या होगा, करंट नहीं आता है। ये गाड़ी दो दिन से रखा हुआ है, हम पहले भी बोले थे टाइम लगेगा, कई दिन में हम लोग का रनिंग कम होता है, टाइम नहीं मिलता है। तो आज सुबह पकड़े थे, देखे क्या इसमें कोयल भी खुले थे, हम खुला हुआ था, अभी हाथ लगाए देखे हम खुला हुआ है। ये सब हम चेक किए, ये जो पिकअप कोयल वोयल सब सही है। हम सोचे कोई तार उर काट उठ गया तो नहीं काटा, इधर तो सही है सब। अभी CDI भी हमको डाउट हुआ तो CDI हम खरीद के लाए, भैरव का माल है, बहुत ही अच्छा था। 1040 रुपया का MRP है, 1020 रुपया लिया हमसे। ये ओरिजिनली कंपनी में आता है और माल बहुत ही अच्छा है, ये भैरव का। ये CDI है, ये हो गया CDI। फिट करना होगा, टीवी लगाना होगा। न्यूट्रल स्विच का ही तार है, 8 नंबर के बोल्ट होता है, इसमें टाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये CDI डिलक्स में ऑल मॉडल है, इसमें ऑयल नहीं आता है। सेल वाला में इसमें एक पैकिंग आता है, ये मैग्नेट चैम्बर में, इसमें पैकिंग नहीं आता है। ये ऐसे ही बैठा देंगे हम लोग। ये न्यूट्रल स्विच का तार हो गया, ये पे फंसेगा, ये अभी हम लोग बैठा देते, एक बार चेक कर लेते हैं। सारे बोल्ट टाइट हो गया, फिटिंग करेंगे, मैग्नेट हो गया, इसमें बूस होता है, एक बूस इधर है, एक बूस इधर है, आराम से फंस जाएगा आसानी से। बैठ गया, न्यूट्रल स्विच को बोला तार को हम फिटिंग कर देते हैं। तार फंसा हुआ है, तो ये जो है केबल निकालना पड़ेगा इधर से, इधर देखा इधर घाट बना हुआ है, ऐसे फंसेगा, उधर जाओ। तार निकल रहा है, ये हो गया, तो ये न्यूट्रल स्विच का तार हो गया, ये लाइट कोयल का हो गया, ये तो 8 हो गया, ये हो गया पिकअप कोयल का तार, तो फिट कर दे, अभी देखते करंट आता कि नहीं। देखिए दोस्तों, नहीं आता है करंट इसमें। CDI अभी करेंगे, ये न्यू वाला CDI हो गया दोस्तों, न्यू वाला हो गया, पुराना स्विस कंपनी का लगा हुआ था, अभी हम लगाएंगे भैरव का। यहाँ पे लिखा है CDI 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 डिलक्स है, 2SS2।
सीडी डिलक्स का हो गया, इसको हम फंसा देंगे, इसमें घाट सिस्टम होता है, ये फंस गया कारण साबित किया। दोस्तों देखिए करंट आ गया, अभी इसका प्रॉब्लम था ई सी डी आई का। अभी करीब रात 10 हो गया, दिन में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, रनिंग काम बहुत आता है, पंचर हो गया, सर्विस हो गया, दिन में रनिंग काम होता है, बहुत ही कस्टमर भी रहता है, दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग दिन में बहुत काम बनाते हैं, काम नहीं रहता है फ्री तब एक वीडियो बना लेते हैं। फंस गया दोस्तों अपना जगह में, आ गया ये पुराना वाला हो गया। हम लोग टाइम ले लेते हैं, दिन में रनिंग काम रहता है इसलिए टाइम ले लेते हैं। पहले हम इधर से चाबी स्विच से चेक भी किए थे एक बार का, इसमें हो सकता है ये वायरिंग का तार और काट गया चाबी स्विच का, तो दिक्कत होता है, ऐसे सुपर ग्लैमर में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, तो टाइम नहीं मिलता है। काम हम एक बार करते थे सुबह, एक बार देखे थे सुबह, तब गए थे हम लोग का दुकान से लगभग 15 से 17 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोग को पार्ट्स लाने के लिए। 3 बोल्ट है दोस्तों इसमें, मैग्नेट चैम्बर में, सबसे बड़ा वाला नीचे का तरफ आएगा, ये इधर हो गया, एक छोटा वाला इधर, 3-8 नंबर के बोल्ट है, जब टाइट कर लेता हम नट को टाइट नहीं किए थे, 8 नंबर के बोल्ट था, ये हाफ चेन कवर हो गया, ये हम फंसा देते हैं अभी। नंबर की 2 बोल्ट होता है इसमें, एक ऊपर का तरफ लगता है, एक नीचे का तरफ, ये आसानी से फंस जाता है। गियर लेवर गए फंसा देते, फुल टाइट हो गया दोस्तों, इधर का काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों पलक हो गया, पलक को फिटिंग कर देते हैं, करंट सही हो गया। टैंक को फंसा देते हैं, स्टार हो गया दोस्तों, पिकअप नहीं लेते, तेल नहीं होगा सच, तेल पाइप दिखाओ थोड़ा, ये हो गया तेल पाइप, इस हम देख लेते हैं तेल है कि नहीं, तेल है इसमें, बंद कर
गया दोस्तों जारी, ये CDI का फॉल था तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग टाइम ले लेते हैं, दो दिन तीन दिन टाइम लगेगा। हड़बड़ी करने से नहीं होगा, दिन में हम लोग का रनिंग कम रहता है। अभी रात करीब 9:40 हो गया, देखिए अभी गाड़ी हो जाता पूरा अंधेरा हो गया बाहर का तरह, 10 बजने वाला है। अभी गाड़ी कंप्लीट हो गया, अभी फिटिंग विटिंग करके रख देंगे। दिन में हम लोग को रनिंग कम बहुत होता है, रनिंग कम करते इसलिए दिक्कत हो जाता है। ऐसा ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, लोग बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो अभी एंड करने वाला है। बहुत ही पुराना CDI डिलक्स स्पोक वाला मॉडल है। ये वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो इस चैनल में नया है अभी सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं।